वापस वहीं से आया है। चलो, मैंने कुछ लिया तो नहीं था ना, मैंने बस एक ग्रेनेड लिया था यहाँ से, है ना। अरे, यहाँ पे तो ग्रेनेड था ना भाई, धोखा। और तो कहीं पे कोई सामान था नहीं। था एक एक बुढ़िया को ऊपर मारना था। ये रही बुढ़िया, इसको पीछे से मारेंगे। अरे पर मेरे पास तो चाकू ही नहीं है, तो कैसे मारूं। यूट्यूब यूट्यूब बी लाइक रियल गर्लफ्रेंड, नखरे ख़त्म ही नहीं होते। और क्या भाई, यस, गोलियां बची थोड़ी। मरी कि नहीं, यस। पिछली बार के मुकाबले थोड़ी गोलियां तो बची हैं। और वहां पे भी शायद मैंने एक बॉक्स छोड़ दिया था, जो ये वाला बॉक्स है। नाइस, और 5 गोलियां। ओ, ये दरवाजा तो मैंने छोड़ देखा ही नहीं भाई। सारे चीजों में यही की लग रही है बिच्छू वाली। कम से कम 3-4 जगह पे मैंने ये निशान देख लिया। ओ, कुछ आवाज आई है मुझे, कटक कटक जैसी आवाज आई है। मतलब वो दरवाजा तोड़ने की तो आ ही रही है, उसके अलावा कोई तो ऐसे टक टक की आवाज आ रही है। यूट्यूब यूट्यूब ने लगता है किसी और को बता दिया। यूट्यूब ने तो सबको ही बता रखा है भाई, बस हमें ही नहीं बता रहा और हमसे ही नहीं पट रहा। कोई नहीं, पटाएंगे हम भी, लगे रहेंगे इस पे। तो लॉक पिक लगेगा, यहाँ पे बॉम्ब है जिससे मुझे डिफ्यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर होता तो मैं नीचे चला जाता, पर अब तो आई हटाना ही पड़ेगा इसे। मैं सोच रहा था नीचे से जाने की, सारा प्लान ही उसने वो कर दिया भाई। मुझे डर लग रहा है यार, कुछ तो बड़ा आएगा भाई, ये दरवाजे तोड़े जा रहे हैं ये। यहाँ पे कुछ और ही है। अच्छा, इसे मोड़ मोड़ के देखना पड़ेगा। ओ, ये तो हिटलर जैसा लगा मुझे एक बार। वो पीछे तैरने की आवाज़ आ रही है मेरे को, तो मतलब है क्या, इससे कुछ निकाल नहीं सकता क्या मैं। मुझे लगा कुछ तो स्क्रू व्रू निकल के कुछ तो बाहर आएगा इसमें, पर नहीं है। ये गेम का रीमेक, काफ रीमेक किया बट काफ़ी ओल्ड चीज़ें बदल दी, वो अच्छा नहीं लगा। अच्छा भाई, मैंने तो ओरिजिनल खेला नहीं है, तो मेरे को इतना पता नहीं। मेरे लिए तो मतलब सब कुछ ही बिल्कुल नया है, तो मुझे तो गजब लग रहा है भाई। और क्या क्या मैं इसे दोबारा लगा पाऊंगा, अगर मान लो कोई एकदम से वहां से वो कबर्ड तोड़ के मेरे पे हमला करने आए, तो मैं इसे दोबारा नहीं लगा सकता है। ये तो दिक्कत है यार। गन तो रिलोडेड है ना मेरी। हाँ भाई, वॉट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये बंदा एटलीस्ट 25-30 गोलियां तो खाएगा भाई। मेरे पास ग्रेनेड है क्या? नहीं, मैं ग्रेनेड बना सकता हूँ क्या? नहीं, शॉटगन एमो ही बना सकता हूँ बस। मैं इस पे शॉटगन यूज़ करूँ क्या? मेरे पास कितनी गोलियाँ शॉटगन की? 11। चलो देखते हैं। अरे नहीं, अरे ये तो सिंपल है। नाइस, अरे भाई सिंपल बंदा था भाई। ओ जी, मेरा 2005 का फेवरेट गेम है। ओ, मैंने भाई आज तक खेला नहीं ओ जी। मैंने वैसे भी सुना बहुत है कि रेजिडेंट ईविल 4 जो ओ जी था वो मतलब लेजेंडरी स्टेटस का था, और जो भी मतलब रेजिडेंट ईविल से प्यार करते हैं वो उनका फेवरेट गेम है। बल्कि कुछ लोग तो और भी गेम खेलते तो भी उनका रेजिडेंट ईविल 4 ही सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो अफसोस, मैंने तो वो खेला नहीं। तो मेरे पास यही है एक्सपीरियंस जो भी है। मैं सोच रहा हूँ ये अगर मैं चालू कर लूँ तो आवाज़ आएगी क्या यहाँ पे? तो थोड़ी देर के लिए करेंगे, देखते हैं बैकग्राउंड नॉइज़ कितनी कटती है।
हो, उस टाइम का गेम ऑफ द ईयर बना था। हो भाई, लग तो रहा है वैसे अभी भी मुझे कि इस बार का भी गेम ऑफ ईयर बन जाएगा शायद 2023 का। 2023 में माना जाएगा, 24 से 2023 में माना जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में आया था। ओ भाई, कभी इसको निकालते ही मेरे ऊपर ही कूद पड़े। ओ ये तो सेन लग रहा है बंदा, ज़ॉम्बी नहीं लग रहा। Seemed like you really wanted to talk. How observant, senor. Now, say, you got a smoke? भाई अभी तो kill you. Oh, well, maybe just some time then, huh? भाई ये बंदा बोरे में से निकला है और इसे अभी। ओ भाई, स्ट्रेंथ भाई, ये तो डैडी लग रहा है उस रेजिडेंट इविल 7 का, या फिर मिस्टर एक्स जैसा भी थोड़ा थोड़ा, या मिस्टर एक्स एन एम एस जो भी था। वो वायरस डाल दिया इसके हैं भाई। स्ट्रेंथ देखी इस बंदे की, इसे फेंक दिया भाई ऐसे जैसे कुछ है ही नहीं। खतरनाक भाई। चैप्टर एंड, बस इतना ही। वुड यू लाइक टू सेव योर प्रोग्रेस? यस। तो इसमें कर लेते हैं। ओके कंफर्म। अरे भाई ठीक है भाई, दो बार हो गया अभी। नेक्स्ट भाई, ये बंदा बोरे में बंद था और इसे आधे सिगरेट चाहिए, जिंदगी बच गई वो नहीं। गॉड ऑफ वॉर 1 एंड रेजिडेंट इविल 4 दोनों बहुत ट्रेंडिंग गेम थे। अच्छा सही है। You will receive our most sacred body. It begins now. और ओची मारो समझा गया, हमारे पास इतनी अच्छी खासी बॉडी है तो हमें किसी और की क्यों चाहिए? What the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee. Got your name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Bet you've been in a spot like this before, huh? I guess. You're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing senorita? Young girl, talk now. All right. See, heard chatter about moving a señorita. Moving her. Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone to the old church. Tod diya finally. Nice. You. Not help. Oh, bacha liya. Nice. सीक्रेट मांगना अम्ब्रेला का सीक्रेट कोड है। ओ सही है भाई, इनसाइडर इंफॉर्मेशन। भाई ये तो बड़ा यूनिक तरीका था ज़ोंबी को मारने का, और ये सीन भी इतना यूनिक। चलो चाबी फेंक तो गया भाई, मुझे तो लगा कभी लेके ना चला जाए, पर अभी तो गया ही होगा। खाली पड़ा है सूटकेस, कोई गन नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यार, अभी अगर किसी ने हमला कर दिया तो। Condor One to Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. ये कुल्हाड़ी ले लेते हैं। There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. Stealth In the meantime, make your way to that church. चलो भाई स्टेल्थ करते हैं अब I'm तो। Probably due for confession anyway. Condor One, out. ये कुल्हाड़ी क्यों नहीं उठा रहा लेकिन ये? हेलो भाई। सर।
आप अंधे हैं क्या लियोन जी? भाई निहत्था बंदा ज़ोंबीज के बीच में है और कुल्हाड़ी नहीं उठा रहा। वाओ ग्रेट, यही तो चाहिए। और चाकू भी नहीं है इसके पास। यार वैसे इसने कहा कि मैंने लोकेट कर लिया बेबी ईगल को, भाई उस बंदे ने सिर्फ ये कहा कि मैंने सुना है कि वो एक सेन्योरिटा को लेके गए हैं कहीं पे, पता नहीं जो भी है या देखा है। इसको कैसे पता कि वो बेबी ईगल ही है? क्या पता कोई और लड़की हो यहाँ पे? तो ये भाई क्या भरोसा, कहाँ कहाँ से लोगों को मार मार के लेके आते होंगे, किडनैप कर करके मारने के लिए यहाँ पे लेके आते होंगे। सूटकेस में कुछ तो आया भाई, मैं तभी से क्राउच कर रहा हूँ। चल थाने वाली क्यों क्या है? भाई वैसे इस गेम का लेवल डिज़ाइन बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को अभी से ही, मतलब थोड़ा मज़ा है ऐसे ऐसे, मतलब प्लेन और सिंपल नहीं है, और थोड़ा ऐसा है कि छोटी सी जगह में बहुत कुछ पैक है ऐसा, मतलब मेरे को फील हो रहा है। किचन नाइफ ये ले लेगा भाई, किचन नाइफ ले लेगा। यू कैन परफॉर्म वाइड स्वीपिंग स्लैश अटैक विद दिस, ओके। कैन ऑल्सो डू कुछ स्टैब अटैक, दोनों से ही। अच्छा वाइल होल्डिंग स्पेस, ठीक है ठीक है। क्राउच में ही ऐश, अच्छा चर्च में ही एशली है। नहीं वो तो अपन को तो पता ही है कि गेम में है, पर मतलब इसको कंफर्म थोड़ी पता होना चाहिए भाई, इसने देखी थोड़ी है अब तक। इसने कॉन्फर्मेशन दे दी उसको कि आई हैव लोकेटेड बेबी ईगल। उनकी आवाज़ तो आ रही है भाई। ओ मैं पीछे से इसको टेक डाउन कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास नाइफ है। स्टेल्थ किल से दिखा रहा ना, इफ़ यू स्निक बिहाइंड एन एनिमी व्हेन यू हैव ए नाइफ यू कैन टेक देम आउट इन ए सिंगल मूव विदाउट मेकिंग एनी नॉइस। बिल्कुल बिल्कुल, ये हुई ना बात। थोड़ा सा चाकू हट गया है, लेकिन किचन नाइफ एक और, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चाकू टूट भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ और, ओजी में ज़्यादा स्मार्ट दिखाया गया है लियोन। ओ तो इस गेम में डम डाउन कर दिया क्या? अरे उठ मत भाई। ओ नाइस नाइस, पास में ही है, नाइस। यार वैसे यहाँ से चढ़ के नहीं ले सकते क्या? मतलब सरिये को किसी तरह से मोड़ दें थोड़ा बहुत, ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग सर ये लग रहे हैं, लेकिन नहीं मुड़ेगा तो नहीं। ये ओजी में स्टेल्थ मोड नहीं था। ओ तो मतलब वैसे मुझे स्टेल्थ से दिक्कत तो नहीं है, पर ओ पर अगर लियोन को डम दिखाया गया है तब तो थोड़ी दिक्कत है। अरे ये तो इधर ही देख रहा है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ इसके पास? ये क्या है, पैरिंग? अच्छा इसके सामने ही जाना पड़ेगा। इफ़ यू हैव ए नाइफ यू कैन पैरी एन अटैक विद स्पेस व्हेन प्रॉम्प्ट अपीयर्स इन द बॉटम राइट। बॉटम राइट में कहाँ अपीयर हो रहा है प्रॉम्प्ट? कहाँ अपीयर हुआ? अच्छा आप दिखा आप दिखा आप दिखा, दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ लेकिन। हाँ दिखा दिखा दिखा, पर वो तो मैं उसका अटैक देख के भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है ना। You can successfully parry even if you press it before the prompt appears. Time it right and the animal will be staggered. भाई जवान क्यों लड़खड़ा रही है मेरी, पता नहीं। चलो भाई नाइस नाइस, अभी फिर से करना पड़ेगा। चलो अटैक करो। हो क्या तोड़ दिया भाई इसके पैर ही। इसके ऐसा क्यों कर रही है? इसके दर्द हो रहा है क्या? मेरी हेल्थ कहाँ है? मेरी हेल्थ तो पूरी है, लेकिन चूहा भी है। बट नाइफ अनलिमिटेड होता है एंड डोज नहीं होता रेजिडेंट इविल ओजी में। तो इसमें भी डोज क्या है क्या कुछ? भाई एमओ तो मिल गई, चलो कम से कम। मतलब मैंने तो अब तक तो कुछ डोज किया नहीं, मैंने तो पैर ही किया है बस, और ये नाइफ भी टूटने वाला है वैसे तो। किचन नाइफ एक और मिल गया, नाइस भाई। मुझे आवाज़ तो आई है किसी की हो करते हुए।
अरे चूहे बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे। चूहे को मार दूंगा मैं, नाइफ से मार सकता हूँ क्या चूहे को? दिखाओ क्या मेरा नाइफ यूज होगा अगर मैंने चूहे को नाइफ से मारा तो। ओ वन आउट ऑफ थ्री, तो चूहे को मारना ही है क्या? रुको ये तोड़ू, नहीं रुको रुको, चूहे को मारना ही है भाई अभी। ये रहा ये रहा ये रहा, नाइस टू आउट ऑफ थ्री। एक और भी कोई होना चाहिए। मार दो रेट। हाँ अब दिखा मुझे नाइफ से डिफरेंस करते हैं। मैं समझा नहीं नाइफ से क्या डिफरेंस करेंगे। तीसरा चूहा यहाँ था ना कहीं। रेड का साइड क्वेस्ट है। अच्छा जैसे मतलब वो ब्लू मेडालियन तोड़ने का था शायद, वैसे ही है कुछ है ना मेरे हिसाब से। तो इसमें छोटे छोटे साइड क्वेस्ट ऐसे ही होते होंगे कि थोड़ा सा टाइम निकालो अपना। और वेंडर फिर इनाम देता है उसका ना, मतलब जो भी दुकानदार मिलता है अपन को। आपने बताया था ना पिछली बार। हाँ सही है भाई। यार इसकी हेल्थ और कम होगी क्या? नहीं 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 भाई, चूहा क्यों नहीं दिख रहा लेकिन मेरे को। फिर तीसरा वॉल्ट। ओ अच्छा क्या, मेरे को जितना हो सके इसको स्टेल्थ से ही मारना है। दिख गया तीसरा चूहा। वो बंदा ओ मुड़ गया मुड़ गया। तोंतेस्तास इधर तो नहीं आएगा ना, ये आएगा क्या? नहीं आएगा। चल 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 चल। नाइस। अगर ये मुड़ जाता तो भाई बहुत पैरी करना पड़ता। बच गए। रुको इस चूहे को मारता हूँ पहले मैं। हाँ मर्चेंट। हाँ भाई 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 इसमें भी मोटा आता है क्या रेजिडेंट इविल विलेज की तरह? अरे नाइस पेस्ट कंट्रोल कंप्लीट। आ रहा है आ रहा है, पर मेरे पास यार मिशन आया नहीं, मैंने पहले ही मार दिया तो कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? कभी वो कहे कि भाई मैंने तो काम दिया ही नहीं था मैंने तो यही मार दिया, पैसे नहीं दे रहा मैं। नहीं ये तो मुझे मेन रास्ता मिल लग रहा है। पहले इधर से देखते हैं। F to hold। अच्छा तो खोल ले भाई इसे। No good। अच्छा ये नीचे आ रहा है। रुको 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 रुको, फिर तो फटाफट भागना पड़ेगा भाई। अरे कूद भाई। अरे रुको थोड़ा सा, रुको रुको रुको, इसको पकड़ सकता हूँ मैं। ये आया था ना निशान? नहीं आया, पकड़ने का नहीं आया। आएगा मिशन, पहले कंप्लीट कर दो फिर भी नो प्रॉब्लम। सही है सही है सही है। रुको मैंने थोड़ा टाइमिंग इसकी वो कर दी, अभी एक बार फिर से करके आता हूँ मैं। इसके कुछ अटका सकता हूँ क्या मैं? अगर कोई लोहे की चीज़ हो जो इसमें अटका दूँ पहिए में, ताकि ये यहीं अटका रहे, फिर मैं आराम से जाके पकड़ लूँ इसे। चल भाई भाग भाग भाग। ये इससे तेज नहीं भाग सकता क्या भाई? हो क्या क्या बचा है भाई। नाइस सारी चीजें आ गई, बढ़िया भाई। कुछ छूटा तो नहीं ना? बस यही एक लॉक पिक ही नहीं मिलता। अब इमेजिन करो ये दरवाजा ना खुले तो फिर तो कोई और ही आके खोलेगा हमें। नहीं ये वाला भी वैसे ही उठा नहीं सकता है, कुछ ज्यादा ही भारी है शायद इसका मैकेनिज्म, वरना तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है लियोन भाई, खुद ही उठा देता सीधा। भाई एक बार तो डर गया था मैं, का इतना बड़ा बैग। ओ भाई
एक बार तो मैं अच्छा गोली मारनी है इसको। मैं तुरंत थोड़ी तैयारी कर रहा था कि जल्दी से कौन सी गन निकालूं। ठीक है, ओ सेव करने का, इस पे ही कर देते हैं। मर्चेंट आ गया, नाइस नाइस। ठीक है, मर्चेंट टिप गेट क्विक नोटिस और द रिक्वेस्ट कमिंग अलोंग, डीड यू नो दैट इन ट्रेड द स्पाइनल्स यू रिसीव एज रिवॉर्ड फॉर वैल्यूएबल गुड्स कैन बी बॉट अदरवाइज। वैसे स्पाइनल्स होते क्या? मैंने तब तक तो कोई रिसीव किया नहीं। यू गॉट लोड्स ऑफ यूजफुल आइटम्स बट आई रिकमेंड यू पिक अप ए ट्रेजर मैप द मोस्ट। ओके भाई, दीज मैप डिटेल द लोकेशन ऑफ कल्स चेरिस्ड हिडन ट्रेजर्स। took me and the lads a lot of time to find them with these maps and you'll rescue. ठीक है show you adventure some dangerous areas। ठीक है भाई, ओके। तो ट्रेजर मैप्स पे हमें कुछ गजब ही ट्रेजर्स मिलेंगे। ओ राइफल, तो इसका मतलब तो राइफल भी मिलने वाली है भाई। Welcome. ट्रेडिंग विद द मर्चेंट, वेपन्स एंड आइटम्स कैन बी बोट और सोल्ड टू द मर्चेंट यूजिंग पेस्तास। कैन ऑल्सो अपग्रेड और रिपेयर योर वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। ओके ओके नाइस। मर्चेंट रिक्वेस्ट, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड अ टास्क रिसीव्ड फ्रॉम अ ब्लू रिक्वेस्ट नोट, यू कैन क्लेम द रिवॉर्ड बाय टेकिंग और टेक टॉकिंग टू द मर्चेंट। ओ कंप्लीट ए रिक्वेस्ट का अचीवमेंट अनलॉक हुई है। तो तीन स्पाइनल अब मिले मेरे को। स्पाइनल मतलब डायमंड। अच्छा, तो मेरे को तीन ही मिले यार। मैंने तो इसके दो मिशन करे ना। अच्छा नहीं, ये रे सेवन मिल गए, ये स्पाइनल ही होंगे मेरे हिसाब से तो। और ये चैट के नीचे ढका हुआ है, नाम दिख नहीं रहा। बाय बोल्ट थ्रोवर, ये क्या है भाई? ए क्वाइट प्रोजेक्टाइल वेपन दैट इज ग्रेट फॉर इमोबिलाइजिंग एनिमीज, बॉल्स कैन बी रिट्रीव्ड एंड रीयूज्ड। नाइस, अटैचेबल माइंस। ठीक है भाई, इसमें लग सकते स्नाइपर भाई। दिस गेट द स्कोप फॉर फ्री, लिमिटेड टाइम ओनली। चलो भाई, इसमें टाइमर तो दिखा नहीं रहा लिमिटेड टाइम का, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसे लिख रखा है इसमें न्यूज। अच्छा, ये अगर मैंने लिमिटेड टाइम में नहीं खरीदी तो फिर मेरे को 4,000 का एक अलग से खरीदना पड़ेगा। है मेरे पास 12,500 हैं, तो मैं ले सकता हूँ ये फर्स्ट एड। ये तो नहीं ले रहा मैं, केस अपग्रेड। ये तो भाई लग रहा है कुछ जरूरी चीज। रेसिपी बोल्ट। अच्छा, बोल्ट बनाने के लिए, तो अगर मैं ये लेऊंगा तो मुझे ये भी लेना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं रहेगा बोल्ट कैसे है। भाई या तो केस लेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि जगह तो चाहिए रखने के लिए, या फिर एक गन। क्या ले? 2.50 पावर है, इसकी पावर कितनी है? 1.20 यार। तो भाई क्योंकि ये, पर इसकी गोलियां वापस ले सकते हैं, इसकी बोल्ट से एक बार जाने के बाद वापस आ जाएंगे। और ये साइलेंट भी है। एमओ कैपेसिटी 3.5, रीलोड स्पीड इसकी कम है, रेट ऑफ फायर इसका कम है, ज़्यादा होना चाहिए वो तो। प्रेसिजन इसका ज़्यादा है। और कुछ कर सकते हैं हम? अच्छा, ट्रेजर मैप भी ले सकते हैं, लेजर साइट भी ले सकते हैं, येलो हर्ब, येलो डायमंड, राउंड कट येलो जेमस्टोन कैन बी इंसर्टेड इन टू सर्टेन ट्रेजर्स। तो अगर मैं ये लेता हूँ तो इसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी किसी चीज में इंसर्ट करने से। है पनिशर, ये क्या भाई? हैंड गन दैट रिटेन्स एक्सीलेंट पेनिट्रेशन पावर विद लो रिकॉइल। ओके, राइफल अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्यून अप ज्यादा जरूरी है। ओ चलो, फिर तो नहीं लेते भाई। यार ये येलो हर्ब तो मेरे हिसाब से जरूरी है, क्योंकि परमानेंटली इंक्रीज करती है हेल्थ को, है ना? और एक हम स्पेंड कर देंगे ट्रेजर मैप के ऊपर। द मैप दैट शोज द लोकेशन ऑफ ट्रेजर्स इन ऑल एरियाज ऑफ द विलेज। यानी लेना चाहिए क्या? क्योंकि इसके अंदर ये क्या ही बता देगा जो मैंने ऑलरेडी नहीं ढूंढा है ना? क्योंकि
अपन ने सारा कमरा तो सारे जितने भी रूम थे और जितने भी हाउसेस थे वो तो गांव के देख ही लिए थे नहीं। और साथ में एक एक जगह थी जहाँ पे दीवार के ऊपर किसी को चढ़ा के धक्का देके चढ़ना था वो भी देख ली थी। तो मेरे हिसाब से तो भाई सही है ये, मतलब नहीं लेना चाहिए, पर एक बार लेके देख लेते हैं अगर कुछ मिस कर दे। ये तो पक्का लेऊंगा मैं, हेल्थ बढ़ेगी और क्या, परमानेंट हेल्थ बढ़ेगी। ओके, यूज्ड की आइटम्स। तो मैं जो यूज़ हो चुकी है वो बेच सकता हूँ। तो मुझे पता कैसे लगेगा कि ये यूज़ हो चुकी है, इसके ऊपर निशान आएगा क्या कुछ? ये बेच दूँ क्या मैं, या फिर इसके अंदर येलो वाला स्टोन लगा के फिर बेचूँ उससे खरीद के? कॉम्बैट नाइफ भाई, ये तो सारे काम के हैं, ये वाला तो बेच ही देता हूँ। ये क्या है? अच्छा, 1 out of 1, ये तो बेच ही देता हूँ भाई, इसका तो क्या ही काम है। और ये उसमें जेम फिट करके बेचो, फ्लैगन में, फ्लैगन में मतलब ऑलरेडी 2 जेम है देखो, तो इस रूबी को हटा के अगर मैं मान लो ये येलो वाला लगाऊं तो वर्थ इट है, वैल्यू बढ़ जाएगी येलो डायमंड लगाने से। तो एक मिनट रुको, पहले मैं ये तो सीधा बेच देता हूँ है ना, क्योंकि ये तो किसी चीज में फिट होंगे नहीं। टाइप ऑफ एमिथिस माइंड इन द रीजन फॉर सेलिंग ओनली, वेलवेट बेच दो। हाँ भाई भाई भाई, ₹26,000 हो गए भाई, अब तो बहुत चीजें खरीद सकता हूँ मैं। तो मैं एक बार ये लेके इसमें फिट करके बेच देता हूँ, फिर स्पाइनल्स 3 और यूज हो जाएंगे। हाँ वैल्यू बढ़ जाएगी यार, पर ये स्पाइनल्स ज्यादा जरूरी नहीं है, जैसे मान लो ये गन के लिए तो, और लेजर साइट के लिए तो। लेजर साइट का तो मेरे को बिल्कुल बकवास लग रहा है, क्योंकि भाई सामने बस दिखाई तो गई है, और तो क्या ही बढ़ा देगी। टारगेट एक्विजिशन कैन बी माउंटेड ऑन जो भी है। और ये गन वर्थ इट है क्या वैसे? अगर ये गन वर्थ इट नहीं है तो फिर मैं येलो डायमंड लूंगा, मेरे पास 4 हैं, 3 येलो डायमंड के और 1 ट्रेजर मैप का, चारों के चारों स्पाइनल यूज हो जाएंगे फिर। और ये येलो डायमंड उसमें मग्गे में लगा के बेचूंगा, इस वाले मग्गे में। ट्यून अप, अच्छा ये भी कर सकते हैं, इसको रिपेयर करते हैं पहले, ये तो जरूरी है रिपेयर करना। आगे साइड क्वेस्ट मिलेंगे और भी, तो नहीं मैं ये तो समझ गया कि साइड क्वेस्ट मिलेंगे तो स्पाइनल और मिल सकते हैं भाई। ये बोलना बंद करेगा तब तो मैं कुछ बोलूं, मतलब वो तो मैं समझ गया कि स्पाइनल आगे मिल जाएंगे, लेकिन ये वाली जो गन है ये वर्थ इट है? जो मेरे पास अभी पिस्टल है उससे कितना बड़ा अपग्रेड है कि मैं इस पे 5 स्पाइनल लगाऊं? है तब तो ठीक है, वैसे भी अभी तो मैं खरीद भी नहीं सकता ये, अभी तो मुझे ये दोनों ही लेने पड़ेंगे यार। ये बढ़ाना चाहिए ये तो है ना, ये गन से भी पावरफुल गन आएगी, तो रहने दो फिर है, ठीक है फिर तो। ड्यूरेबिलिटी ये तो चाहिए भाई, ड्यूरेबिलिटी तो चाहिए। फिर एक काम करता हूँ, पहले मैं ये लेता हूँ और ये भी ले लेता हूँ, और अभी मैं पहले वो करूँगा उस मग्गे में वो लगाऊँगा। रुको कहाँ गया ये, इसके अंदर मैं रिमूव करूंगा एक जेम स्टोन को, दोनों कर दिए क्या? पहले इसकी वैल्यू थी 12,000 है ना, अब एक रेड लगाएंगे कंफर्म बैक, और एक ये लगाएंगे नहीं, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ भाई क्या हो रहा है? अच्छा इसमें लगा, हाँ ना कंफर्म, अब कितने हो गए? 15,000 यार, मैं उम्मीद कर रहा था कि
कुछ तो बढ़िया अपग्रेड होगा भाई, 20-25 हज़ार का। अच्छा ये की बेच सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर टिक का निशान आ रहा है। चलो ठीक है भाई, कुछ तो आएगा। वेलकम ट्रेड, सॉरी सेल, ये रहा 15,400। चलो भाई रूबी नहीं बेचेंगे अलग से बिल्कुल भी, ये बेच देते हैं। और तो वो मेरे हिसाब से नाइफ की ड्यूरेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो मैं ये तो कर ही लेता हूँ। माय प्रेफर्ड पीस, सेम कलर में डुओ बोनस मिलेगा। ओ शिट, अरे यार काश काश मैं ही थोड़ा पहले पढ़ लेता तो अगली बार से फिर सेम कलर में करके बेचेंगे। तो अभी मैं ये ले सकता हूँ या फिर ये ले लेता हूँ। मेरे पास कितनी जगह है अभी, कम ही बची है। अगर जैसे एक आधी गन में फिट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता अब, मतलब बड़ी गन, छोटी पिस्टल वगैरह तो हो ही जाएगी। तो ये ले लेते हैं फिर, रीलोड कर लो। अच्छा उससे भी जगह हट जाएगी क्या? अच्छा गेम रीलोड कर लो, मुझे लगा कि ऐसे करूं क्या, फिर चीटिंग नहीं हो जाएगी यार? अगर डबल येलो यूज करते तो 28,000 मिल भाई। रीलोड कर रहा हूं मैं रीलोड कर रहा हूं भाई। अरे क्विट क्यों कर दिया, शिट, मैं वैसे ही सीधा रीलोड कर लेता। 28,000 भाई, वो तो चाहिए। कौन सा था लेटेस्ट? अरे 21-8, 21-22, 21-21, 21-22 यही है फिर तो लेटेस्ट। चीट कर रहे वैसे तो, पर इतना तो चलता है यार। है ना एशली ग्राम्स ट्रेल हैज लेड लियोन स्ट्रेट इन द बेली ऑफ द बीस्ट, ही इज इन परस्यूट बट वन रॉन्ग मूव कुड स्पेल हिज एंड। ओके ये ऐसे लोड करने में काफी टाइम लगाता है यार ये। ये दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी मैं उसे कंबाइन नहीं करूंगा, तो फिर मैं ये रेड जो है इसका क्या करूं फिर? अभी तो यार मैं, मेरे को आगे ऐसा एक और फ्लैगन मिलेगा ना, एक ऐसा मग्गा, तो उसके अंदर मैं दो येलो लगा लूंगा। फिलहाल तो मैं बस रेड के साथ ही रहने देता हूं, है ना? क्यों ही करना है इसमें, मेरे को दिखा क्यों नहीं रहा वैसे वो मग्गा, ये रहा। तभी मैं बस ये दोनों बेच देता हूँ और ये भी बेच ही देता हूँ, और जब अगली बार मुझे ऐसा जो भी है ये फ्लैगन गढ़वा मग्गा जो भी बोलते हैं इसे ये जब मिलेगा तो उसमें दो येलो लगा लेंगे। एक क्योंकि फिलहाल तो मेरे पास एक ही येलो है, तो मैं एक येलो खरीद के रख लेता हूँ बस, है ना? और उसको फिलहाल रेड में बेच देते हैं। बेस्ट कंट्रोल का ये रहा। अच्छा इसे रिपेयर करते हैं, इसे अपग्रेड करते हैं, ये तो बहुत जरूरी है। ये बेचते हैं, ये बेचते हैं, ये बेचते हैं, रुको है ना, फिलहाल मैं ये बेच दूं ना, मेरे को आगे मिलेगा ना एक और ऐसा मग्गा, एक और मिलेगा ना जिसमें मैं ये येलो स्टोन लगा सकूं, है ना? एक बार कंफर्म कर दो ताकि मैं इसे बेच पाऊं, नहीं तो फिर से रीलोड करना पड़ जाएगा भाई। इससे तो खरीद लेता हूँ, इसे खरीद लेता हूँ और इसे खरीद लेता हूँ। तब तक मैं, हाँ मिलेगा, सही है, तो मैं इसे बेच देता हूँ। येलो को बचा के रखेंगे एक और येलो तक मिलने तक।
ऐसे बहुत सारे ट्रेजर मिलेंगे। सही है फिर तो। मतलब मुझे वैसे तो पता ही है कि मिलना तो है ही, लेकिन फिर भी कंफर्म करना चाहता हूँ बस। रुको अब, मेरे पास ये है। पहले मैं इससे एक चीज़ बनाता हूँ जिससे मेरी हेल्थ परमानेंट बढ़े। कहाँ गई? ये नहीं है, ये बना लेते हैं ना। इससे थोड़ी हील भी होगी और परमानेंट बढ़ भी जाएगी। इससे नीचे तो और कुछ बना नहीं सकते, है ना? ठीक है। अब मैं इसे तब लेऊंगा जब थोड़ी सी हेल्थ डैमेज हो जाए, क्योंकि ये हील भी तो करेगी ना, तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता इसे। अटैची बढ़ा लेता हूं मैं 20,000। अभी इन दोनों में से मुझे, आप कह रहे हो राइफल काम नहीं आएगी, तो यार पर मेरा मन है यार राइफल लेने का बहुत ज्यादा, और इसे स्कोप भी फ्री मिलेगा। ये तो लेते रहेंगे ना, बोल्ट थ्रोवर तो, और अभी तो मेरे पास स्पेस भी है। दिखाना कितना स्पेस बड़ा है। हाँ यहाँ पे आ जाएगी पूरे में राइफल मेरे हिसाब से तो। एल्ट ऑटो सोल्ट, ओह क्या क्लीन कर दिया भाई, नाइस। राइफल काम आएगी, हाँ वही तो। और मेरा मन भी है यार राइफल लेने का। और इसमें देखो, अभी बाय दिस एंड गेट द स्कोप फॉर फ्री लिमिटेड टाइम ओनली, तो फिर मैं ये ले ही लेता हूँ। Nice, बढ़िया है भाई। Discounted items, discounts are only available during the chapters they appear in. Okay, तो पूरे second chapter तक चलता है। Nice, nice, nice. तो अच्छा zero दिखा रहा है। Nice. Anything else I can help you with? अभी बहुत ज़्यादा difficult fight आएगी। Oh, तब तो ज़रूरी है भाई ये। अरे ड्यूरेबिलिटी और करना चाहता हूँ मैं, पर अब तो बची नहीं। पावर बढ़ाने का नहीं है भाई कुछ अभी, मुझे लग रहा है मुझे इसके बाद अब पैसे बचा के रखने चाहिए। और ओ जरा दिखाओ तो भाई, कहाँ है अपनी राइफल, कहाँ है? इसको इक्विप कैसे करूं मैं ऐसे? यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए ना, लेकिन मेरे व्हील में है। इसको कैसे, इसको मतलब व्हील के अंदर कैसे लगाऊं मैं? टू की जगह पे अगर मेरे को लगानी हो तो मैं कैसे लगाऊं? एल्ट दबा के शायद अब लग जाए। स्पेस टू कंफर्म, ऑटो सोर्ट, इसमें वन आ रहा है लिखा, इसमें थ्री आ रहा है। ये यहीं पे ही है क्या? हाँ ये वन पे और ये थ्री पे है, तो मैं इसको चेंज कैसे करूँ भाई? और ये नहीं, सेंड टू स्टोर रजिस्टर, ये रहा ना। इसको हम करेंगे दो पे कर लेते हैं। और जो ग्रेनेड है, ग्रेनेड कहाँ है मेरा? ग्रेनेड तो है ही नहीं वो, पहले ये तो लगाएं इसमें। रुको भाई, पार्ट्स, हेलो क्यों नहीं लग रही इस पे? पार्ट्स स्कोप, अरे लग क्यों नहीं रहा ये? क्या है भाई, लग जाना इस पे। ये स्कोप कैसे लगेगा? अरे भाई कैसे हटाऊं मैं इसे? एस्केप टू कैंसिल, नहीं नहीं वापस लेके आओ इसे। ये इसके ऊपर क्यों नहीं लग रहा भाई? पार्ट्स स्कोप, अब ये स्कोप नहीं,
कंबाइन करो उसके साथ, वही तो पार्ट्स, ये गन और अब ये गन, अरे पार्ट्स, इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, हो क्यों नहीं रहा, देखो पार्ट्स स्कोप पे किया तब भी नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा भाई। अच्छा लग तो गया, दिखा तो रहा है भाई इसके ऊपर, ओह भाई तो 6x जैसा लग रहा है, अलग से ही दिखाएगा, अच्छा अलग से ही दिखाएगा फिर ठीक है भाई, ये तो बहुत तगड़ा जूम है यार, नाइस, ओके ओके ओके, वो स्पेस लेगा ही इन्वेंटरी, मुझे लगा ये इसके ऊपर दिख जाएगा तो फिर स्पेस नहीं लेगा, पर नहीं दिख रहा ये, चलो सही है। अभी अगर मैं ये करता हूँ तो ये वाला किचन नाइफ आता है, ठीक है चलो आने दो किचन नाइफ को, तो अभी मैं सेव कर लेता हूँ भाई। ओह ये गोलियाँ तो रह गई थी, राइफल है वो, तो फिर मेरी नई राइफल में आ गई क्या, नाइस, ऐसे गजब लग रही है भाई राइफल तो, नहीं अच्छी खासी पावर भी होगी इसमें, तो आप कह रहे हो आगे तगड़ी फाइट आने वाली है, तो फिर बढ़िया काम आएगी कुछ और तो, अरे मैं ई दबा देता हूँ बार बार, और तो क्या ही है, अभी तो बाद में आते हैं फिर इसके पास, अब पक्षी का निशान आने लग गया, पहले छिपकली का आता था, यहाँ पे भी ये मिल रहा है, नाइस भाई गोलियां तो फुल मिल गई भाई, breaks over, I suppose. यहां जाना है क्या मुझे, रुको पहले यहां जाके देखता हूँ एक बार, इससे अच्छी राइफल भी मिलेगी, ओ नाइस बढ़िया है भाई फिर तो, ओ अरे रे रे रे, काश मैं पहुंच जाऊं, नाइस, मैं सोच रहा था कभी ज्यादा दूर ना हो मेरे से, चाकू टूट गया पर चलो कोई बात नहीं, अभी मेरा वाला चाकू तो, ये एक गोली में बाद रिलोड करना पड़ता है, कार 98 की तरह, नाइस नाइस, दिख भी उसकी तरह रही है, तो थोड़ा देख के चलानी पड़ेगी भाई, अगर रिलोड का टाइम नहीं हुआ तो, वो मैं इसको यहीं से मार दूँ तो, पर नहीं यार मतलब मार सकता हूँ पर एक नॉर्मल बंदे पे मैं इतनी अच्छी गन की गोली क्यों खराब करूँ, क्या जूम होता है भाई इस पे, तो नहीं खराब करेंगे फिलहाल तो, मैं यही रख रहा हूँ, वाह भाई डिजाइन देखो तुम मैप का, कितने सारे एनिमी हैं, ये ऊपर से बॉम्ब तो नहीं फेंकेगी आंटी, नहीं इसके हाथ में सिर्फ कुल्हाड़ी है, वहां पे एक, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये फ्लेमेबल है, ये उड़ जाएगा अगर इसके पास कोई होगा तो, नाइस ठीक है भाई, ड्रॉप डाउन करते हैं पहले, यहाँ से ये खोल सकता हूँ क्या मैं, प्लीज टाइम पे टाइम पे, अरे ओ भाई, अरे यार ये क्या हो गया भाई इतने सारे, रुको 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 भाई, अरे भाई ये तो कांड होता जा रहा है यार, ओ बच गया, अरे नाइस, नाइस तीनों को एक साथ भाई,
अरे रुको भाई, बच मैं मारूंगा, वो बॉम्ब आ रहा है मेरी तरफ। ओ नहीं 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 नहीं, अरे नाइस। अरे भाई उस तक जाने दे भाई, इधर आओ तुम, इधर आओ, रेड बैरल की तरफ आओ एक बार। आ जाओ, नाइस भाई, खुद को ही उड़ा दिया। बड़े अंकल जी जरा इधर डालना अपने पास ही। अरे भाग गया भाई, काफी जगह एक्सप्लोजिव बैरल्स पड़े होंगे, क्लोज रेंज में पिस्टल डैमेज ज़्यादा करेगी। ओके ओके ओके, सही है। एक बार मैं ना थोड़ी हेल्थ का ये ले लेता हूँ। क्या लूँ, रेड और ये तो है नहीं मेरे पास, तीन ग्रीन का बना लूँ क्या, दो ग्रीन का बना लेता हूँ। अभी मेरी हो गई है पूरी। ओ भाई ये तो यहीं खिर गया, बच गए भाई। एक्सप्लोजिव बैरल्स का मैंने यूज ही नहीं किया, ये इसके एक्सप्लोजिव ही काम आ गए। तो मैं कहा ठीक है भाई, जब ये वो कर रहा है, बॉम्ब फेंक रहा है। एग खा लो, हाँ भाई एग तो भूल ही गया मैं, ग्रीन हर्ब वेस्ट कर दिया ना, रेड और ग्रीन ही करनी चाहिए थी मेरे को यूज। खैर चलो कोई नहीं, अगली बार रेड आएगी तो कर लेंगे। मुझे लग रहा है अभी तो जो मुश्किल फाइट आप बता रहे थे कि आने वाली है, वो तो अभी आई भी नहीं होगी। ओ ओ ओ, कहाँ है आंटी जी ने कुल्हाड़ी मारी, अच्छा वहाँ है आंटी जी। इतनी दूर से तो नहीं कर रहा मैं फाइट, क्योंकि मेरे को लात मारनी है नज़दीक जाके। वो एक बात बता यार, अपन को ट्रेजर मैप विलेज का मिला था ना, कहाँ है भाई दूसरा बंदा, कहाँ है ये, आवाज़ कहाँ से आ रही है दूसरे बंदे की। एक मिनट रुको, मेरे को वापस ऊपर जाना है पहले, नहीं जा सकता क्या मैं, क्योंकि मेरे को वो मिला था एक ट्रेजर मैप, तो फिर मैं सोच रहा था। अरे दूर रह गई यार, अरे ये भी दूर रह गए यार, नहीं ओ पीछे था बॉम्ब, फक भाई ये कहां से आ गए भाई इतने सारे, अभी तो मारे थे मैंने सबको। इधर कोई बॉम्ब फेंको भाई, नाइस नाइस, वो नीचे गिर के मर गया होगा। ये लोग आते रहेंगे क्या मेरे पास, वन डाउन भाई, इतने मार लिए अभी, वन डाउन। ये आवाजें कहां से आ रही है इतनी सारी, उसका वहीं गिर गया बॉम्ब, बढ़िया। ओ व्हाट द फक, गोली मारने के बाद भी, अरे यार ये डिफिकल्ट वाली ही फाइट है। ओ रुको भाई रुको, एग से तो काम नहीं चलेगा, खा लूँ क्या, ब्राउन एग खा लेता हूँ, रुको वाइट भी खा लेता हूँ। चलो थोड़ा वो तो काम चला है, मेरे पास गोलियां, थोड़ी गोलियां बना लेता हूँ मैं, हैंड गन है वो, क्योंकि मैं शॉर्ट गन तो ख़राब नहीं करना चाहता इस पर। मेरे को रेड बैरल्स चाहिए, और कहाँ है रेड बैरल्स,
मर गया ये पॉक भाई उसके चाकू मारने के चक्कर में भाई ये तो कांड हो गया यार ये तो कांड हो गया यार ये तो दिक्कत हो गई भाई इधर तो नहीं जा सकता मैं बच गया बच गया बच गया बच गया इधर जाने दो देखने दो यार कहीं तो एक्सप्लोजिव बैरल हो और ज्यादा यहाँ पे कोई ग्रीन हर्ब नाइस यहां से तो नहीं जाएंगे रुको ओह नहीं 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 बच गया ऊपर चढ़ भाई ऊपर चढ़ यहां पे कोई रेड बैरल ओह पक्षी मिल गया नाइस की ढूंढो ठीक है भाई चिड़िया जैसी दिखती है नाइस तो मिल गई मेरे को की वापस पूरा घूम के आऊंगा अब मैं स्मॉल की ये किसके लिए अब अरे फक नहीं भाई ये तो दिक्कत हो गई भाई दो ग्रीन हर्ब से बनाना पड़ेगा शिट क्या चला दिया यार मैंने कुछ और चलाने जा रहा था मैं नहीं चाहता था मैं ग्रीन हर्ब इस्तेमाल करना पर क्या करें भाई और कोई रास्ता ही नहीं था अभी मैं ये इक्विप करता हूँ पहले या तो चल मैं शॉटगन इक्विप कर लेता हूँ What? भाई भाई कमाल ही हो गए भाई मेरे को यार की लगाऊंगा कहां पे लेकिन मैं यहां पे तो की लगने की कहीं जगह दिख नहीं रही मेरे को यहां पे अबे ये तो मैं वहीं आ गया घूम फिर के ये भी मैं वहीं आ गया घूम फिर के रुको भाई अरे भाई व्हाट द फक चल 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 ऊपर चल वापस यहां पे जाऊं अगर मैं ये बैरल ढूंढूं तो कुछ तो मिलेगा हार्प नहीं मिली भाई यहां से नहीं आ सकता यार की तो मिल गई लेकिन अब करूं क्या इस की का मैं इसे लगाऊंगा कहां पे मैं भाई पागल है क्या बेंचो गोली मार तो दी तेरे भाई हद हो गई भाई ठीक है भाई ठीक है भाई बिल्कुल बकवास कोई मतलब नहीं भाई इस गेम का मैंने इतनी उसको सर पे गोली मारी है भागते भागते तब भी वो रुका नहीं भाई ठीक है स्मॉल की लॉक पिक वाले में यूज होगी मर्चेंट के पास रास्ता है अरे वो तो यूज होगी लेकिन भाई इसके बाद आगे जाऊंगा कहां पे मैं यहां पे तो कहीं यूज होगी नहीं मुझे जाना तो पड़ेगा एक बार यहां पे वापस क्या यार बकवास भाई अनफेयर होता है ना तब गुस्सा आता है भाई आ जाओ जरा रेड बैरल के पास आओ थोड़ा सा दो तीन आ जाते हैं यार
इधर से जाऊं तो फक भाई पागल है क्या भाई, ऐसे टाइम पे कौन बम फेंकता है? व्हाट द नहीं 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 नहीं, तो दिक्कत हो गई। कोई बम फेंक दो यहाँ पे प्लीज, प्लीज कोई बम फेंक दो यहाँ पे, प्लीज कोई बम फेंक दो यहाँ। अरे तेरे पास ही बम है क्या? फेंक 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 नहीं, बम फेंक दे भाई, भाई जी फेंकना भाई जी एक बार, इस साइड नहीं। अरे पर मैं तो उस साइड हूँ, तो उस साइड ही फेंकेगा वो भी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत गंदा खेला मैं, ये मेरी गलती थी, ये मेरी गलती थी। अब की बार मैं इनको मारने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सीधा भाग के जाऊंगा। इनको निकलने दे इस भाई जी को एक बार यहां से। अरे दिख गया यार, फक ओ भाई इतनी दूर से लग गई मेरे। पहले यही तोड़ेंगे ताकि निकलने का रास्ता बने। बच गया भाई, क्या ब्लास्ट हो रहे हैं भाई। नहीं नहीं, क्या है ये भाई, मुझे लगा मैं कूद जाऊंगा, मुझे लगा उस दीवार के ऊपर से कूद जाऊंगा, पर जोर से तो नहीं चिल्ला रहा हूं, कभी आवाज जा रही हो। नहीं यार ये तो गलत हो रहा है यार, ऐसे तो नहीं चल सकता काम। इन सब के आने से पहले ये लूट लेता हूं मैं पहले। दो तीन जने आओ यार इस रेड बैरल के पास, ऐसे तो मजे नहीं आते। चल जो मिला वही सही, एक फेंकना भाई बॉम्ब फेंकना इधर। अरे मैं तो साइड पे था लेकिन मर गया, मैं मर गया। ये पूरा हक दिया और क्या, चांस से नहीं मिला भाई। मुझे लगा मैं उसके उससे बच जाऊंगा, वो जो मेरे को पिच फोर्क मारने आ रहा था ना उससे थोड़ा साइड में होके बच जाऊंगा, पर बचा नहीं मैं। उसकी वजह से वो बॉम्ब लग गया, फिर उसकी वजह से दूसरा बॉम्ब लग गया, तो तुरंत ही मौत होगी। चलो भाई नेक्स्ट राउंड, फर्स्ट एड स्प्रे। नहीं यार ये भागने क्यों नहीं देता यार, कोई मरा ही नहीं भाई। ठीक है बच गया भाई, बचा तो क्या हूं मैं, लेकिन ठीक है चलो काम चला लिया। उधर फेंको अंकल जी, अंकल जी इधर, अंकल जी नहीं 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 नहीं, अंकल जी इधर फेंकना एक बार। और रे भाई कांड हो गया ये तो, भाग 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 भाग। मैं इधर जाके देखता हूँ एक बार कुछ है क्या, उसके बाद देखेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। लगा ही था,
रुको 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 रुको, ये खाते हैं और एक अंडा खा लेते हैं। अरे व्हाट, नाइस नाइस, अरे मिल गया रास्ता। नहीं भाई, ये तो दिक्कत होती जा रही है भाई। रास्ता तो मिला पर चलो कम से कम। नाइस नाइस, व्हाट व्हाट भाई 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 भाई, पैर भी नहीं दब रहा था भाई इतनी देर से। मिक्सर बनाओ, मैं मरूंगा उसके मारते ही मरूंगा मैं। यूज नाइस, बढ़िया भाई, नाइस। और क्या, नॉट रियली बैड एट ऑल। गर्दन टेढ़ी होने से अग्रेसिव हो जाते हैं विलेजर। हाँ अरे गोलियां हैं भाई, गोलियां हैं यहाँ पे। इधर से कूद सकता हूँ क्या मैं? ओ कूद सकता हूँ भाई। अरे भाई हट जाओ भाई, अरे उसको मार भाई, क्या कर रहा है? ठीक है भाई, फर्स्ट एड स्प्रे है ना मेरे पास। भाई ऊपर चढ़, तू ऊपर चढ़ भाई, यहां पे रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, एक स्मॉल की भी चाहिए थी ना, वो और ले ले। हो द फक भाई, ग्रेनेड फेंको भाई, ग्रेनेड कहाँ है? ग्रेनेड नहीं है क्या? व्हाट द फक, ये भी दो बार आनी पड़ेगी मेरे को दोबारा से। शिट, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अरे मुझे ये चाहिए, ये अरे भाई जाने दो भाई। अभी मेरे को पूरा जाना पड़ेगा भाई, घूम फिर के वापस ऊपर जाना पड़ेगा। अरे कूद भाई, क्या कर रहे हैं? ज्यादा लोग हैं क्या इधर? इधर तो ज्यादा लोग हैं भाई, उधर से जाएंगे। ओहो ब्रिज गिर गया, मुझे लग रहा है पीछे ब्रिज गिर गया है। अब उसको पूरा घुमाएंगे, शॉर्ट गन यूज करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसे पूरा घुमा के उधर कूद के भाग जाऊंगा अब मैं जल्दी से। अरे कूद भाई,
भाई 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 प्लीज 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 कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरे पास कुछ है? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है भाई। अब चांस लेने का टाइम नहीं है भाई। ओह भागो भाई, भागो भाई। क्या हालत हो गई भाई ये की लेके आने में। कैसे रो रो के आया हो भाई। अच्छा पक्षी को, अरे क्या है, अरे रुको, कैसे था ये पक्षी? नहीं ऐसे तो नहीं है भाई, एक ही साइड कर सकता हूँ क्या? इसको उल्टा कैसे घुमाऊँ मैं ऐसे, और अब कैसे करूँ? अच्छा ओके ओके, अब समझा, अब समझा। हाँ तो फिर तो ऐसे जाएगा ना, सही तो है, और क्या भाई। रुको कुछ तो दो मुझे हील करने का, मेरे पास कोई हर बार कुछ भी नहीं है भाई। ये तो जाते ही मर जाऊंगा मैं अगले उसमें। सेव करूं क्या मैं? अब समझ में आया कि इस मर्चेंट के पास वो क्यों है, क्या नाम है उसका, फर्स्ट एड बॉक्स। वो क्यों है मर्चेंट के पास, अब समझ में आया भाई। मर्चेंट के पास से फर्स्ट एड ले लो। हाँ सेम सेम, 10,000 भाई लूट रहा है भाई। ठीक है भाई लूट ले भाई, तेरे भी दिन है, क्या ही कर सकते हैं। वही अभी अगर मैं उस जगह पे वापस जाऊं तो अभी अंडर कंट्रोल है सौदा, मतलब मैं छुप छुप के अगर सारी चीज़ें लूट लूँ तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने शायद कुछ तो छोड़ दिया होगा उधर, या फिर नहीं छोड़ा। एक आधी चीज़ के लिए तो क्या ही जाऊँगा मैं उधर है भाई। क्या इस बंदे को क्या बीच में से उड़ा दिया भाई मैंने। रुको ये लेके चलते हैं, देखूं एक बार बच पाऊंगा क्या। ओ आंटी देख रही है भाई ऊपर से, दिख गया क्या? पक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैप देख लो, रुको 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 भाई, पहले यहाँ से वापस आने दो मेरे को। अरे हाँ मैप से एक चीज याद आई, यहाँ पे येलो है, व्हाट भाई ये तो चाहिए भाई। रुको यहाँ से आके, यहाँ से आके यहाँ, ये तो पहले पहले ही रूम में है, ये मैंने मिस कर दी, पहले रूम में कैसे मिस कर दी भाई, ये क्या है? अरे ये क्या है भाई, चार्ज। अच्छा यहाँ पे ट्रेजर का पूरा मैप आ गया मेरे पास है ना, विलेज का। वही तो मैं कह रहा था कि मेरे को ऑलरेडी पता होगा, जो कि मेरे को लग रहा है पता है। मेरे पास लॉक पिक नहीं है एक तो, ऑब्जेक्टिव चर्च। ठीक है भाई यहाँ पे भी काफ़ी मैप आ रहे हैं, मतलब इसका इसका वो ट्रेजर आ रहा है पूरा। यार ये तो चाहिए भाई, भाई ये तो चाहिए, एक बार फटाफट जाके ले आते हैं, क्या ही जा रहा है। नहीं जल्दी से जाएंगे और जल्दी से आएंगे तुरंत। इसी में है ना ये रही। चलो भाई वापस, या फिर एक राउंड और मारा हूं मैं, थोड़ा आगे तक का राउंड मार के आता हूं। रुको ये तो खुलेगा नहीं, यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ से ये ले लेते हैं, अब निकल जाते हैं वापस। ओ फक, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं मरना भाई, ऐसे नहीं मरना। थोड़ी सी हेल्थ कम हुई है पर कोई बात नहीं, ग्रीन हर्ब मिल गई यहाँ से, ग्रीन हर्ब मिल गई, नाइस नाइस नाइस। तो ये हेल्थ वापस पूरी हो जाएगी। अब लॉक पिक इसमें नहीं है, लॉक पिक की जगह स्मॉल की है। ओ अच्छा, तो जो वो स्मॉल की मिली थी मुझे वो लॉक पिक की तरह यूज हो जाएगी।
नाइस भाई। भाई वैसे ये एरिया तो हम फार्म करने की तरह यूज़ कर सकते हैं। नहीं, अगर किस कोई बंदा ज़्यादा स्किल्ड है और वो कम एमओ यूज़ करके सारे एनिमी को मार पा रहा है तो बार बार यहाँ पे जाके मारता रहे बंदों को और सारी चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, अब मेरी हेल्थ परमानेंट बढ़ जाएगी भाई। नाइस, बिल्कुल चिन्नी सी बढ़ती है लेकिन बढ़ती तो है भाई। एक ग्रेनेड मिला, एक ग्रीन हर्ब, एक येलो हर्ब, मेरे हिसाब से तो भाई वर्थ इट था। नहीं ते लग रहा है, हाँ थोड़ा सा वर्थ इट तो है भाई। एक बार फिर से सेव कर लेते हैं, रुको यहाँ पे सेव गेम, इसी में कर रहे थे दूसरे वाले में। क्या मैं एक बार पीछे जा सकता हूँ क्या? मुझे लग नहीं रहा मैं इधर से पीछे जा पाऊँगा, पर मैं फिर भी एक बार बस चेक करना चाह रहा हूँ। यहाँ से तो कह जाऊँगा फ्लैश ग्रेनेड है। हाँ तो मतलब फ्लैश भी अच्छा ही है भाई, थोड़ा तो कुछ तो मिला, क्योंकि मेरे को एक बार है ना विलेज में जाके देखना है यार। पर मैं इतना बैक ट्रैक करूँगा, मुझे लग रहा है आगे आगे का रास्ता सीधा विलेज में ही खुलेगा, है ना? मैं क्यों इतना बैक ट्रैक कर रहा हूँ भाई? देखो मैप में देखते हैं, ये है मर्चेंट। नहीं भाई विलेज में तो नहीं खुलेगा, विलेज स्क्वायर ये है और मैं यहाँ हूँ। मुझे लग नहीं रहा मैं वापस विलेज जा सकता हूँ, क्योंकि वो बंदा ने मुझे मुक्का मार के कहीं और ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो मुझे वापस किसी तरीके से जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहीं से ही होके जाना पड़ेगा। नहीं मैं सीधा विलेज नहीं जा सकता ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ लूट है वो मुझे चाहिए थी, नहीं जा सकता ना। फ्लैश ग्रेनेड पैरासाइट को एक ही बार में मार सकता है। ओ पैरासाइट तो मेरे को पता भी नहीं वैसे कौन है, पर नाइस कोई आएगा पैरासाइट जैसे दिखने वाला तो उस पर ट्राई करेंगे। बैक ट्रैक मत करो, आगे आना होगा विलेज में। हाँ भाई मैं सोचा कि आगे गेम किसी ना किसी तरीके से लेके तो आएगा ही। ओ इसको हम मारेंगे पीछे से, पहले यहाँ देख लूँ कुछ लूट वूट का है क्या सामान। नहीं है, कम ऑन। ओहो कोई और भी है क्या इधर? सारे आ रहे भाई। इसका तो मुंह ही उड़ गया भाई। नाइस भाई, वैसे जो मैंने उसको वो किया था ना, क्या नाम है, पैरी, वहां पे जब बहुत सारे विलेजर थे, मजा ही आ गया था भाई। लियोन भी बोला क्या गजब करते हैं। पैरी से मेरे को हमेशा सेकिरो की याद आ जाती है। ओ फक भाई, और सेकिरो मेरे फेवरेट गेम्स में से एक है भाई, और उसमें पैरी ही है सब कुछ। पर अरे भाई कितना हर जगह ट्रैप है यार। ये यहां से ऐसा क्यों है? कुछ तो है मतलब यहाँ पे। नाइस, ये क्या है? ये बॉल टर्न नहीं होगा? नहीं, हैंड गन एमो। नाइस, ओ सैफायर। नाइस, तो मेरे पास अब दो रेड हैं, नहीं एक येलो है, एक रेड है और एक सैफायर है। ओ ये तो अलग मिले हैं भाई थोड़े से, शायद ये हैवी गन के लिए है कुछ, अलग ही स्नाइपर राइफल टाइप के एमओ के लिए शायद। नहीं थोड़े स्टील के से दिखे थे ना ये रिसोर्सेज। इन कौओं को मारने से कुछ मिलेगा क्या? अगर मिलेगा तो बताना भाई, इधर तो कुछ लग नहीं रहा मेरे को। ये कौवे भी ऐसे चिल्ला रहे हैं भाई जैसे कोई राक्षस हो। ओ डर गया था मैं इस कपड़े को देख के एक बार तो। गन पाउडर भाई, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पे बॉस फाइट होगी? नहीं मार्क रोको। ओ
रुको रुको रुको, फिर तो कहाँ गए? सारे उड़ गए भाई अब तो। चलो अगली बार आएंगे तो मारेंगे भाई। पैसा मिलेगा क्रो को मारने से। ओके, मुझे लगा अगर फिजूल में गोली वेस्ट नहीं करनी। ओ जैसे उसके अंदर वो हेड बोपिंग वाला आता था, इसके अंदर ये है 1 out of 16। रिवोल्ट अगेंस्ट द रिवोल्टिंग, डिस्ट्रॉय ए क्लॉक वर्क कैस्टेलन। ये क्या भाई, स्क्रिबल अबाउट डोल्स, देयर इन्फ्लुएंस इज नॉट व्हाट इट वंस वाज, डिस्ट्रॉय द वाइंड अप डोल्स, डू नॉट फॉरगिव दोज एरिस्टोक्रेट्स। अच्छा वाइंड अप डोल्स यही थी तो सामने रखे। फाइनली एक और हार मिली। इस गेम में क्रो रिच है और क्या मरते जेब में से पैसे गिरते हैं अपने फैदर्स में, हीरे मोती लुका के लाते हैं ये। अगर पेड़ के ऊपर भी कोई दिख जाए तो मार दूं मैं। वैसे झूला हिलने की आवाज कहाँ से आ रही है वैसे? ये भाई एनवायरनमेंट देखो यार, एनवायरनमेंट देखो भाई, क्या भूतिया मजा ही आ रहा है। मतलब वाइब देखो तुम, हवा की आवाज, जैसे झूले झूलने की आवाज, जबकि झूला दिख भी नहीं रहा कहीं पे। ये देखो सांस लेने की आवाज, हवा की भी आवाज, ऐसे जैसे कोई सांस ले रहा हो भाई। कोई तो है यहाँ पे। ओ मैं समझ गया, अब अगर मैंने इसे नीचे गिराया तो ये यहाँ गंदा हो जाएगा, तो पहले मैं इस फट्टे को नीचे गिराऊंगा। पर फट्टे को नीचे कैसे गिराऊं, इसको मार के? नाइस। अरे नहीं भाई, ये तो वही है, ये तो वही है, इसकी आवाज तो मैं पहचानता हूँ, इसकी आवाज तो मैं पहचानता हूँ भाई। व्हाट द फक, और मेरे पास ये भी है, ग्रेनेड भी है। ठीक है ठीक है, भूतिया नहीं छूतिया। रुको इसको गिराते हैं हम। पर्ल पेंडेंट देखा, सीख गया मैं मेरी पास्ट मिस्टेक से कि कैसे करना है। अब इसकी कीमत 5000 है। अर्जुन विद पर्ल्स फॉर सेलिंग ओनली। ओके मेरे पास 3 अलग अलग रंग के हैं, लेकिन भाई ये तो चेनसो वाला है भाई। हो इधर आओ सर जी। नाइस, नाइस। इस पे ये फेंक देता हूं मैं। ओहो भाई इसकी तो गांड ही मार ली, ऐसा लग रहा है। ओहो अरे नहीं 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 भाई, पागल है क्या भाई? अरे भाई पागल है क्या, ये पीछे से कैसे आ गए वैसे? भाई हद ही हो गई भाई इनके आगे। अरे मार, कितना टाइम लगाएगा भाई? फोर्स लेके आता प्रेसिडेंट की बेटी को बचाने, नहीं हीरो बनना था। और क्या भाई, पूरी आर्मी को लेके आ भाई, प्रेसिडेंट है वो। वैसे देखा भाई तुमने कितना एफिशिएंट लड़ा मैं इससे। नहीं पहले मैं भाग के आया, इसको यहाँ फंसाया, फिर यहाँ से फंसने के बाद इसके मेले मारा, फिर मतलब हर बार मिले अच्छे से किया है हर बार, मतलब इसके जो भी मैं कर सकता था, ग्रेनेड वगैरह सब, बस ग्रेनेड थोड़ा आगे गिर गया उसको छोड़ के, बाकी मेरे हिसाब से मैं परफेक्ट लड़ा इस बंदे से। बहुत हार्ड मरा है लेकिन पेन का टका। अरे इसका भी यूज़ कर सकते थे पर मेरे को पता नहीं था वैसे यहाँ पे है। कैसे करूँ मैं पास जाऊँ तो इसके? रुको 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 रुको, क्यों करना है, पहले क्राउच करेंगे। नीचे से जा सकता हूँ ना मैं, फटेगा तो नहीं ना?
बच गया बच गया। अब कोई यहाँ पे होगा तो उसे लेके आएंगे यहाँ तक। अरे हैंग हो गया भाई, बच गया बच गया बच गया। हाँ ट्रैप है यहाँ पे, कोई तो होगा यहाँ पे ज़ोंबी, कोई तो ज़ोंबी होगा। ओह एक और ये वाला सेम छिपकली वाला। मैं सोच रहा हूँ अगर कोई मिल जाए यहाँ पे तो मैं उसको बहका के ले आऊँ यहाँ तक और फिर बॉम्ब से फटवा दूँ, लेकिन दिख नहीं रहा कोई। ये भाई इनसे बच के रहना है यार। भाई डर लग रहा है। ये वाला दरवाजा मुझे लग रहा है कि खुलेगा नहीं, शायद खुल गया पर मैं जाऊंगा नहीं यहां से। पहले मुझे एक चीज कंफर्म करके आनी है यार, यहाँ पे इतने सारे ट्रैप्स कैसे हैं भाई, हर जगह पे ट्रैप्स हैं। पहले मुझे ये कंफर्म करके आना है कि मेन दरवाजा खुलता है क्या। रुको ये भी मैं तोड़ सकता हूँ क्या, मुझे लग नहीं रहा ये तो टूटेगा। ये भी लग नहीं रहा। अरे फिर से हैंग हो रहा है गेम भाई, हो क्या रहा है ये इस गेम में।